फास्टैग की सुविधा वाहन चालकों के लिए दुविधा बनते जा रही है। कहीं घर में खड़े वाहन का टोल टैक्स कटवा रहा है तो कहीं एक घंटे में 7 बार टोल टैक्स कट रहा है। वाहन चालक परेशान है लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं। क्या आप यकीन करेंगे कि आपकी कार ग्वालियर में हो और टोल 1500 किलोमीटर दूर के नल्लोर के नेशनल हाईवे क्रमांक 16 का कट जाए? आपकी कार घर में ही खड़ी हो और टोल टैक्स कटने लगे और जब समस्या को सुनने वाला कोई नहीं हो तो आप क्या करेंगे? ये सब हो रहा है पेटीएम के फास्टैग लेने वाले वाहन चालकों के साथ। लीजिए पीड़ित की कहानी, पीड़ित की जुबानी। अर्पित बिंदल, क्या मामला, क्या हुआ था आपके साथ? मामला ये हुआ था कि जैसे सरकार ने रूल लगा दिया है कि 1 जनवरी से फास्टैग लगाना कंपलसरी है, उसी क्रम में मैंने पेटीएम से फास्टैग का ऑर्डर किया था जो 12 दिसंबर को मेरे को रिसीव हुआ था। फास्टैग तो फास्टैग मेरा रिसीव हुआ तो मैं चूँकि यहाँ शहर में था नहीं तो इसलिए मेरा वो ऑफिस में ही रिसीव कर लिया गया था। उसके बाद जब मैं लौटा, लौट के आया, मैंने अपनी गाड़ी भी मेरी सर्विस पर दी, मैंने गाड़ी अपनी उठाई और फास्टैग मेरे तब तक ऑफिस में ही रखा हुआ था। अचानक से 25 दिसंबर की सुबह मेरे एटीएम में मैसेज आता है कि आपके 30 रुपये डिडक्ट कर लिए गए हैं। जब उसकी जांच मैंने करी तो पता पड़ा कि 30 रुपये कहीं नेल्लोर में NH-16 हाईवे पे, कोई नेल्लोर टोल प्लाजा पे कटे हैं।